दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। दोस्तों आजकल हिंदुस्तान में इलेक्ट्रिक बॉन्ड बहुत ज़्यादा छाया हुआ है। सुनने को मिल रहा है चंदे का धंधा, यानी कि इलेक्ट्रिक बॉन्ड। दोस्तों जो कंपनियां चंदा दे रही हैं वो कोई ऐसी कंपनियां नहीं कि कोई छोटा मोटा चंदा दे रही हैं। हजारों करोड़ रुपये का चंदा कंपनियाँ राजनीतिक पार्टियों को देती हैं, उसमें चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे तृणमूल कांग्रेस हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, छोटी मड़ी आरजेडी वगैरह, सभी पार्टियों को ये चंदा मिलता है। आपको भी चंदा मिला दोस्तों। लेकिन ये पार्टियां चंदा अपने निजी स्वार्थों की पूर्ति के लिए शायद देती हैं, और ये किसी एक पार्टी को नहीं देती जी। वो भी पार्टी चंदा दे रही है, कंपनियाँ चंदा दे रही हैं, वो सभी पार्टियों को दे रही हैं चंदा। तो उसमें पर्टिकुलर बीजेपी पे इल्ज़ाम ये लगाए जा रहे हैं कि जिन पार्टियों पर प्रेशर डालते हैं, जिन मतलब कि कंपनी पर प्रेशर डालते हैं, वो कंपनियां बीजेपी को चंदा दे देती हैं। ऐसा नहीं है दोस्तों। अगर ऐसा होता तो मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग कंपनी जो है, इसने 565 करोड़ रुपए के करीब बीजेपी को चंदा दिया, जबकि इसने कुल चंदा 973 करोड़ रुपए के करीब दिया, जो बाकी अलग पार्टियों को भी दिया। यानी कि अपने चंदे का 60% इन्होंने बीजेपी को ही दिया दोस्तों। इंटरेस्टिंग बात यह है, इतना कुछ करने के बावजूद भी इस पार्टी को, यानी कि इस कंपनी को, सीबीआई का नोटिस चला गया। सीबीआई ने इनके खिलाफ एफआईआर अभी तक रजिस्टर्ड करा दी भ्रष्टाचार के मामले में। अब इससे ये बात तो क्लियर हो गई कि बीजेपी की इंटेंशन सही है, चाहे आप चंदा दो चाहे धंधा समझो, लेकिन अगर आपने गलत किया है तो उसकी सजा आपको मिलेगी मिलेगी। दूसरी पार्टियां जो बीजेपी पर इल्ज़ाम लगा रही थी कि नहीं बीजेपी तो सिर्फ कंपनियों के ऊपर प्रेशर डाल के उनसे पैसे ले रही है, ये रिश्वत है, ये चंदे के बदले उनको धंधा देती है, इस तरह के इल्ज़ाम लगा रही थी दोस्तों। इंटरेस्टिंग बात ये है, जो मेगा इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, इसने जो उसके ऊपर FIR लॉज हुई, वो 350 करोड़ रुपये की किसी डील के बीच में कुछ घपले को लेकर CBI ने रजिस्टर्ड करी FIR इनके खिलाफ। अब मान के चले कि 350 करोड़ रुपए के पीछे, मतलब जिस कंपनी के ऊपर रजिस्टर्ड हुआ केस, उसने मतलब कि 1000 करोड़ के करीब तो उसने चंदा ही दिया अलग अलग पार्टियों को, उसमें से मेजर पोर्शन उसने जरूर बीजेपी को दिया। तो आप सोचिए कि 350 करोड़ रुपए के पीछे जड़ी कंपनी फंस रही है, बीजेपी को 565 करोड़ रुपये का जिसने चंदा दिया है। अगर बीजेपी उसका संरक्षण करना चाहती तो कर सकती थी ना, क्योंकि उसकी इंटेंशन शायद यही होगी कि जी मैंने चंदा दिया तो मेरा कुछ ख्याल रखेगी कि पार्टियां। दोस्तों पर मोदी जी का बिल्कुल क्लियर फरमान है कि मतलब भ्रष्टाचार के मामले में नो टॉलरेंस, उसका सबूत भी सामने मिला हमारे को। आज उन्होंने जो अपना एक घोषणा पत्र इशू किया, उसके अंदर भी उन्होंने ये कहा कि किसी ने भी भ्रष्टाचार किया हो, कहीं भी हो, किसी भी पोस्ट पर हो, किसी भी पार्टी में हो, उसके साथ नो जीरो टॉलरेंस के साथ बर्ताव किया जाएगा और उसको बख्शा नहीं जाएगा। तो उसका सबूत भी सामने देखने को मिल गया दोस्तों। अब पार्टियों का है काम, राजनीति पार्टी है एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाना, तो इनको राजनीति बेनिफिट के लिए लगाती रहती हैं। लेकिन अगर कंपनी की बात के बात करें, कंपनी ने अगर कुछ गलत किया, चाहे चंदा उसने बीजेपी को दिया चाहे किसी पार्टी को भी दिया, पर उसके मामले में उसको कम से कम बीजेपी संरक्षण नहीं देगी कि आपने हमें चंदा दिया था तो आपके ने अगर गलत किया है तो हम आपको करेंगे, संरक्षण देगी राजनीति मामले में उसको कहीं, ठीक है दोस्तों। तो अभी ये देखने को मिला, तो जो लोग इल्ज़ाम लगाते फिर रहे थे, इवन के राहुल गांधी बहुत इल्ज़ाम लगा रहे थे कि जी बीजेपी ने, प्रियंका गांधी भी इल्ज़ाम लगा रही थी कि बीजेपी चंदे के लिए प्रेशर डालती है, एक्सटोर्शन होता है कंपनियों का, उनसे चंदा उगाही की जाती है। दोस्तों चंदा ये कोई आज नया नहीं दिया जा रहा, 2014 में भी बहुत चंदा दिया जाता था। बेसिकली जिस कंपनी की, जिस पार्टी की सरकार होती है, कंपनियां उसको चंदा ज़्यादा देती हैं। 2014 तक कांग्रेस की सरकार थी, इनको बहुत चंदा मिलता था। 2014 के बाद जब बीजेपी की सरकार आई तो इनको चंदा ज़्यादा मिलना शुरू हो गया दोस्तों। लेकिन इससे पहले 2014 तक जो चंदा मिल रहा था उसका कहीं कोई रिकॉर्ड नहीं होता था। जब 2015 में मोदी जी की सरकार आई तो जो कंपनियाँ थी इन्होंने कहा, सर हम चंदा तो देना चाहते हैं, क्योंकि मोदी जी का आह्वान था कि ब्लैक मार्केटिंग या ब्लैक काला धन जो है, इसका देन लेन नहीं होना चाहिए, उसको उजागर करना चाहिए, उसको रिकवरी होनी चाहिए। तो कंपनियों ने भी कहा कि सर हम पैसे तो देते हैं चंदे के तौर से, पर हम उसको कहीं भी शो नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए वो हमारा काले धन में ही रह जाता है, वो
हम अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न में हम उसको दिखाई नहीं पा रहे हैं पैसे को, तो उसके लिए बताइए अब हमें क्या करना चाहिए। तो उन्होंने कंपनियों के जो मतलब के एसोचैम था उसके साथ ही मिलकर डिसाइड किया कि एक इलेक्ट्रल बॉन्ड लेके आया जाएगा। अरुण जेटली जी थे उस टाइम फाइनेंस में, तो उन्होंने बैठ के एक प्लानिंग बनाई कि जी चंदा के अगर देना चाहते हैं आप दीजिए और आप इसको अपने इनकम टैक्स में भी शो कर सकते हैं। उसके लिए इलेक्ट्रल बॉन्ड अनाउंस हुआ जिसमें जबकि इतना कि गोपनीयता रखी जाएगी कि ये आपको नए इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदा है आप किस कंपनी पार्टी को दे रहे हैं ये भी नहीं बताया जाएगा, क्योंकि उनको लगता था कि अगर हम किसी दूसरी कंपनी का चंदा किसी दूसरी पार्टी को पता लग जाएगा कि तो वो उससे भी उस तरह के चंदे की उम्मीद लगाएगी कि हमें भी आप इतने परसेंट दीजिए आपने उनको इतना दिया। तो इसलिए कंपनियां अभी भी ऐसा होता है दोस्तों, एक कंपनी चंदा देती है किसी को कितना देती है किसी को कितना देती है। हम छोटे लेवल की बात करें, हमारे यहाँ पे अक्सर जगराते के लिए या किसी और काम के लिए लोग पर्चियां कटाने घर आ जाते हैं, तो हम भी आदमी देखकर उसको पैसे देते हैं कि फलाना आया तो इसको इतने पैसे दे दो, यही वहां से आया इसको इतने पैसे दे दो, पर्चियां जो कटाते हैं। कोई भी स्टैंडर्ड नॉर्म्स नहीं अपनाता कि जी मैंने तो इतने की इतने ही देने सभी को इतने देने हैं, तो उस हिसाब से कंपनियां भी करती हैं। जो चंदा दे रही थी वो पार्टी देखकर दे रही थी कि किस पार्टी को कितना देना है किस पार्टी को कितना देना है। जैसे कि उन्होंने तकरीबन 1,000 करोड़ रुपए का चंदा दिया मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंजीनियरिंग कंपनी ने, तो उसमें मेजर पार्ट जो था बीजेपी के पास गया, बाकी कांग्रेस को भी चंदा मिला और दूसरी पार्टियों को भी चंदा दिया गया इन्होंने दोस्तों। तो लेकिन जब उनके फंसने की बारी है इन्होंने कहीं हेराफेरी करी तो बीजेपी ने अपना बिल्कुल भी उनके ऊपर बचाने की उनको कोशिश नहीं करी बिल्कुल भी, कहा आपने गलत किया तो आपको ये चीज़ें भोगनी पड़ेंगी। और सीबीआई ने उनके खिलाफ पर्चा रजिस्टर्ड किया और उसके बाद एफआईआर पे रजिस्टर्ड हो गई दोस्तों। तो जो लोग बीजेपी पर इल्जाम लगा रहे थे कि चंदे का धंधा कर रहे हैं इलेक्ट्रल बॉन्ड के थ्रू एक्सटोशन कर रहे हैं, तो शायद ये उनके लिए उनको एक मतलब कि सबक इतना से लेना चाहिए कि जैसा वो सोच रहे हैं मोदी की सरकार वैसी नहीं है। इलेक्ट्रल बॉन्ड के मामले में या भ्रष्टाचार के मामले में नो टॉलरेंस पॉलिसी है इनकी, कहीं भ्रष्टाचार हो रहा है तो उन लोगों को उसी के तहत ही डील किया जाएगा चाहे वो कितना भी बड़ा चंदा दे रहे हो कंपनियों को। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार दोस्तों।